दोस्तों आज मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि आपका डायरेक्शन टेस्ट का एक एक सवाल मैं पूरा सॉल्व कर दिया। बस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ना है। मेरा मकसद है आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाऊँ तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से सिस्टम से पढ़ेंगे, एक और से पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को पेपर पेन लेके बनाएंगे। और क्या, इसका मास्टर वीडियो भी दूंगा, मास्टर वीडियो भी पूरा। अगर आपको इधर उधर ढूंढना पड़ रहा है वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट भी रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लेना। या फिर मास्टर वीडियो जो रहेगा कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे की तो रहेगी मास्टर वीडियो, तो कम से कम 4-5 दिन में उसको पूरा करना, कवर करना। एक ही वीडियो में सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको डायरेक्शन टेस्ट का। और ये सारा क्वेश्चन रेलवे घटना चक्र बुक का, इसका मतलब क्या, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और रिपीट होता है। रेलवे का एग्जाम में सारा क्वेश्चन तो रिपीट हो ही रहा है। तो देखो पहले 120 नंबर सवाल से देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 120 नंबर आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन कहता है कि यदि आप किसी बिंदु से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं, बात को समझिए, वो बोला कि आप ना किसी बिंदु से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। तो हम एक बात बताओ, यहां पे देखो ये जो क्वेश्चन है इसी से लिंकेड आपका क्वेश्चन हो जाता है। टोटल 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 120, 21, 22, 23, 4 क्वेश्चन हुआ। तो चारों क्वेश्चन बनेगा अगर आप डायग्राम सही से बनाते हैं, तो इस तरह के भी क्वेश्चन रेलवे पूछ लेती है। यदि आप किसी बिंदु से उत्तर दिशा की ओर, सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान देते हैं, और हर वीडियो में हम शुरुआत में आपको दे ही देते हैं ताकि अगर कोई नए जुड़े हैं तो उसको भी समझ में आना चाहिए कि अच्छा कैसे लेते हैं ये। देखो यहां पर ना पूर्व हो जाता है, यहां पर आपका पश्चिम, यहाँ पर आपका उत्तर, और यहाँ पर आपको दक्षिण हो जाता है। आप ना अगर आपका अभी ये लर्निंग पीरियड है, शुरुआती है, तो आप इस तरह से ना समझने की कोशिश करना कि भारत का जो मानचित्र में पूरा इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। और आपको एग्जामिनेशन हॉल में अगर कन्फ्यूज हो जाते हो तो रिस्क मत लेना, बना लेना कहीं साइड में इस तरह से जल्दीबाजी में। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, पूरा नहीं लिखोगे तो पू लिख देना पूरा हो जाएगा, पौ लिख देना पश्चिम हो जाएगा, उ लिख देना उत्तर हो जाएगा, द्वा लिख देना दक्षिण हो जाएगा, जल्दी जल्दी में। या फिर स्मॉल यानी कि ये ईस्ट लिख देना, ई से वेस्ट, और नॉर्थ और साउथ, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे लिखते हो तो जल्दी कर पाओगे। अब देखो लाइन को पढ़ो, कहता है यदि आप किसी बिंदु से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं, उत्तर ऊपर हो गया ना, आप किसी बिंदु से, चलो हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं और ऊपर जाते हैं, उत्तर की ओर चलना स्टार्ट किए, इस तरह से यहां तक गए। फिर देखो आगे बोलता है कि और 4 किलोमीटर दौड़कर अपनी बाई ओर मुड़ जाते हैं, उत्तर दिशा की ओर गए और 4 किलोमीटर गया, बाई ओर मुड़ेगा तो अपने हाथ के अनुसार, इधर मेरा बाई हुआ, अरे भाई इधर तो दाई हो रहा है, आप अपना हाथ इस तरह से सोचो कि बाई हो गया, थोड़ा कॉपी भी घुमा लेना अगर दिक्कत हो तो, आप बाई ओर इस तरह से मुड़ गए। फिर देखो क्वेश्चन में कितना बोला है कि बाई ओर मुड़ जाते हैं और 5 किलोमीटर, और फिर 5 किलोमीटर दौड़कर अपनी बाई ओर मुड़ जाते हैं, और फिर दोबारा फिर आप 5 किलोमीटर दौड़कर फिर अपनी बाई ओर, हर बार बाई ओर गया, फिर 5 किलोमीटर चला, फिर यहां से बाई ओर मुड़ा, ठीक है, एक बार 4 किलोमीटर चलने के बाद बाई ओर, फिर यहां से यहां गया है बाई ओर 5 किलोमीटर। एक बात बताओ, ये 4 है ना, तो यहां से यहां तक तो 4 होगा, अपना ये सब लिखना यहां पे कि सर यहां तक तो 4 हो जाएगा, नहीं होगा, अरे भाई ये जितना लाइन है उतने लाइन यहां दिया, 4 हो गया, और 5 जाना है इधर तो एक और ले गए, इस तरह से बोलेंगे चलो ये 5 हो गया, अब यहां तक तो 5 हम मान सकते थे। इतना बात है पढ़ने के बाद ड्रॉ करना और आगे पढ़ना। फिर कहता है अपनी बाई ओर मुड़ जाता है और फिर 6 किलोमीटर दौड़कर फिर से बाई ओर मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़ता है। देखो अब क्या करता है अपना, फिर यहाँ से बाई ओर मुड़ा है और 6 किलोमीटर चलता है, जब इधर आ रहा था तो जो आपका दायां होगा ना, देखो तीर इधर है, जो आपका दायां है वो बायां होता है, जब घूमोगे तो देखो बायां हो गया इधर, तो आपको 6 किलोमीटर जाना है, तो देखो 5 तो यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, और फिर 1 चलना है, तो 1 चले गए यहाँ तक, ठीक है, चलो ये मेरा 1 यहाँ तक हो गया। यहाँ तक आने के बाद समझना, हम पूरे यहाँ से यहाँ तक 6 ही लिखे हैं, लेकिन हम डिवाइड करके लिख रहे हैं, और ये चीज़ हम बार बार सिखा रहे हैं, और हर पार्ट में आपको इस तरह बताते हैं कि अगर आ जाए इस तरह का क्वेश्चन तो डिवाइड करके लिखना, इस तरह से 5 और 1 ज़्यादा समझ में आएगा, जल्दी सॉल्व कर पाओगे। फिर कहता है कि 6 किलोमीटर चल गया, उसके बाद बाई ओर मुड़कर 1 किलोमीटर दौड़ता है, जब उधर जा रहा था तो बाई ओर मुड़ेगा, बाई ओर ऊपर हो जाएगा ना, तो 1 किलोमीटर यहाँ से मुड़ गया, इस तरह से देखो 1 किलोमीटर इतने दूर तक है भाई, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस तरह से मुड़ गया, यहाँ आ गया,
ठीक है, यहां आ गया। अब देखो लास्ट लाइन कहता है कि तो प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो इस सूचना पर आधारित है। मतलब अब सूचना दे रहा है, नंबर पहला क्वेश्चन देखिए 120 नंबर सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है आप वहां से कितने किलोमीटर की दूरी पर है जहां से आप दौड़ना शुरू करते हैं। एक बात बताते हैं, यहां से दौड़ना चालू किया, अब यहां पर है कितना ये किलोमीटर दूर है। तो देखो यहां पे आपको डिवाइड करने सिखाए थे, यहां से यहां तक कितना दूर है, 1 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 किलोमीटर। 120 नंबर का आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 121 नंबर इसी तरह से है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है कि आप किस दिशा में दौड़ रहे होंगे जब आप दौड़ना समाप्त करते हैं। देखो यहां से जब ये मुड़ा था तो इधर ही दौड़ना समाप्त करेगा, यही दौड़ रहा था, और ये कौन दिशा होता है, उत्तर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 121 नंबर का उत्तर, और उत्तर कितने नंबर ऑप्शन में, सी नंबर में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 121 के बाद 122 देखो। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि दूसरी बार मुड़ने के बाद आप किस दिशा की ओर दौड़ रहे होंगे। देखो पहली बार मुड़ा इधर, पहली बार मुड़ा तो इधर मुड़ा, और दूसरी बार यहाँ, या फर्स्ट बार मुड़ा है, सेकंड बार यहाँ मुड़ा है, और जैसे मुड़ा है तो किस दिशा में दौड़ रहा है, तो नीचे कौन सा दिशा, दक्षिण, साउथ, यानी कि आपका 122 का आंसर हो जाएगा दक्षिण। और दक्षिण कितना नंबर ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हो। एक क्वेश्चन और है इसमें देख लो, 123 नंबर भी इसी तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कि अंतिम स्थान से यदि आपको वहां जाना है जहां से आप दौड़ना शुरू किए थे तो आपको किस दिशा में भागना पड़ेगा। देखो यहां पर आने के बाद अगर आपको वहीं जाना है जहां से आप दौड़ना शुरू किए थे, शुरू का बिंदु ये वाला है, अगर इधर जाना होगा तो कौन दिशा होगा, इधर पश्चिम। तो आंसर हो जाएगा 100 आपका 123 का आंसर हो जाएगा पश्चिम, और पश्चिम आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ, और नंबर भी आप गेन कर सकते हो अगर इस तरह से डायग्राम बना लेते हो जल्दीबाजी में। चलिए अगला क्वेश्चन 124 देखिए। क्वेश्चन नंबर 124 से 128 तक निम्नलिखित सूचनाओं को पढ़कर प्रश्नांक के उत्तर दीजिए। इसका मतलब पिछले क्वेश्चन के जैसा भी ये क्वेश्चन है आपका, और हम टोटल आपको बताएंगे 124 से 128 तक। कहीं मत जाइए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर इस तरह आ जाएगा तो कैसे बनाओगे ध्यान से समझना। कहता है कि कनिका उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है। एक बात बताओ आपको, पूरा पश्चिम उत्तर, उत्तर ऊपर होता है, ऊपर चले गए 2 किलोमीटर। अगर किसी को दिक्कत होता है ना, तो सबसे पहले आप इस तरह समझ जाना कि उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण इधर हो जाता है, नीचे पश्चिम पूरा इधर हो जाता है, पश्चिम इधर हो जाता है। ये चीज आपको बना लेना है ताकि आपका गलतियां ना हो। अब देखो क्या कहता है, कनिका उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है, यहां पर 2 लिख देना, फिर आगे बढ़ो, फिर कहता है कि और फिर अपनी दाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। जब ऊपर जा रहा था दाहिने किधर हो रहा है, उधर हो रहा है, 4 किलोमीटर इस तरह से इसको ले गए। ठीक, चलो आगे, फिर आगे बढ़ो। बात कहता है अगला क्वेश्चन कि वह फिर से अपनी दाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। जब उधर जा रहा तो दाई किधर होगा, इधर, और 4 किलोमीटर इसका मतलब यहां तक 2 है, तो इसका डबल दे दो। ठीक है, बोलो कि चलो ये 4 हो गया, यहां बांट देना कि 2 और इधर 2, 4। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर कहता है, फिर वो अपने, हाँ देखो एक बार 2 गया 4 गया फिर 4 चला गया। अगला कहता है चलती है और फिर अपनी दाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और चलती है, फिर दाई ओर मुड़ाना है। एक बात बताओ, जब इधर आया दायां किधर होगा, इधर, देख लो इधर हो रहा है दायां, तो 4 किलोमीटर, तो यहाँ तक 4 है, तो यहीं पर आएगा इसी बिंदु पर, यहाँ से यहाँ 4 आ गया। फिर आगे बढ़ो, फिर कहता है कि यहाँ पर वह रेणु से मिलती है जो उसकी विपरीत दिशा से आ रही है। देखो यहाँ वह रेणु से मिलती है, और इधर से आ रहा था ना, तो इधर से विपरीत दिशा से, मैंने इधर से आ रही थी, यहाँ पर वो रेणु से मिला, रेणु से यहाँ पर मिला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ जाना, और विपरीत दिशा से इधर से आ रही है। फिर देखो कहता है कि आ रही है, वह दोनों यहीं रुक जाती है, वह दोनों यहीं पर रुक जाती है, इतने बात बोला है। अब जो अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए 124 कहता है कि पहली बार मुड़ने के बाद कनिका किस दिशा में जा रही थी। फर्स्ट टाइम जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो पहली बार यहाँ पर मुड़ी थी, और जब इधर मुड़ी थी तो उधर पूरब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 124 का पूरब। क्या आंसर हो जाएगा, पूरब की ओर ये आंसर हो जाएगा। फिर देखो 124 के बाद 125 देखो।
क्वेश्चन नंबर 125 कहता है कि यदि शुरुआत की जगह को ए माने और रुकने की जगह को बी माने तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है। देखो बात को समझो, यहाँ पर और यहाँ की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक शुरुआत को अगर ए मान ले और रुकने की जगह को बी मान ले, तो यहाँ से यहाँ देखो बांटने के लिए इसलिए बताते हैं, बार बार बोल रहे हैं, इस तरह बांटोगे ना तो जल्दी कर पाओगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 126, क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि अंत में कनिका किस दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। देखो अंत में कनिका का मुंह यहां पर है ना, ये रेणु इधर से आ रही थी, रेणु से मिली थी, तो कनिका का मुंह इधर कौन दिशा होता है, पश्चिम। तो आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम, और पश्चिम हो जाएगा डी नंबर आपका 126 का। देखिए 127 कहता है कि दूसरी बार मुड़ने के बाद कनिका किस दिशा में चल रही थी। देखो दूसरी बार, फर्स्ट बार मुड़ा यहाँ, दूसरी बार यहाँ मुड़ा, तो कौन दिशा होता है इधर की, कौन दिशा हो गया दक्षिण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। 127 का डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 128, क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि यदि रुकने वाली जगह से कनिका को उसी जगह जाना है जहां से वो चली थी तो उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा। देखो यहां पर रुका था और यहां पर जाना है, तो कौन दिशा हो जाएगा ऊपर, उत्तर। यानी कि रुकने वाली जगह से अगर उसी दिशा की ओर जाना है जहां से वो चला था तो कौन दिशा की ओर जाना होगा, ऊपर, उत्तर होता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर उत्तर। 128 तक ही न था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 129 नंबर का आता है कि अशोक अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाहिनी तरफ मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिनी तरफ मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। देखो इस क्वेश्चन को आप उत्तर ऊपर लेते हो, यहाँ गया दाहिनी तरफ मुड़ा और फिर इधर गया, और दिशा निकालना, 2 किलोमीटर लिखना ना लिखना कोई बात नहीं, अब फिर दाहिनी तरफ मुड़ गया, तो इधर मुड़ेगा दाहिनी तो कौन दिशा होगा, इधर नीचे दक्षिण। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण, आपका आंसर बी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब खत्म होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन देख लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 130, यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, उसी प्रकार उत्तर को कहा जाएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम पहले भी आपको बताए थे कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है स्टूडेंट, लेकिन नहीं होना चाहिए परेशान, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में देखो ध्यान से कहता है यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए। एक बात बताओ, सबसे पहले पूर्व कहाँ होता है, यहाँ पर, ठीक है, दक्षिण कहाँ होता है, यहाँ पर, ये होता है ना। तो आपको क्या बोला, यदि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कहाँ होगा, यहाँ, और इसको बोला गया है पूर्व, इसको बोला गया है पूर्व, वो बोला क्या, नहीं दक्षिण पूर्व को हम पूर्व मानेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी इधर पश्चिम होगा, ऐसे आप बनाते हो, लेकिन इधर आपको कंफ्यूज होता है कि इधर दक्षिण ले कि इधर उत्तर ले, ये दिक्कत हो जाता है। तो हम आपको बता देते हैं कि इसको जल्दी कैसे किया जाता है, इस तरह क्वेश्चन को, पूर्व को आप देखो इधर मोड़ दो, कितना डिग्री ये जाएगा, ये यहाँ 90 बना, तो यहाँ पे 45 डिग्री क्या हुआ, नीचे की ओर गया, यानी कि क्लॉकवाइज चल रहा है। तो पूर्व को यहाँ लाए, बोल रहा है दक्षिण पूर्व को पूर्व, अब इसे दक्षिण को भी ना इसको 45 डिग्री यहाँ ले आओ, तो यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका पश्चिम है, यहाँ पर उत्तर है, तो ये जो है पश्चिम आपका फिर 45 डिग्री यहाँ पर चला आएगा, तो यहाँ पर आपका पश्चिम हो जाएगा, और उत्तर आपका 45 डिग्री यहाँ हो जाएगा। देखो ध्यान से क्या हो गया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सारा दिशा हो गया। अब जो लास्ट लाइन कहता है उत्तर को कहा जाएगा, जो उत्तर था पहले से ऑलरेडी, जो उत्तर था उसको क्या कहा जाएगा, तो अब कहा जाएगा उसको उत्तर पश्चिम। इस उत्तर को जो पहले ऑलरेडी उत्तर था उसको क्या कहा जाएगा, इस उत्तर को कहा जाएगा उत्तर पश्चिम, क्योंकि ये हमारा पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया, उत्तर 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 दक्षिण हो गया, तो इसका मतलब ये हमारा उत्तर पश्चिम होगा, ठीक है। तो पूरा खत्म हो गया, द एंड हो गया, कुछ बात सुन लो, रुक जाओ भी। तो अब देखो एक एक सवाल हम बताए, और एक एक सवाल बताने में मुझे काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी, और हम मेहनत करते हैं, मुझे अच्छा लगता है मेहनत करना। अब एक बात और बता देते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इसको शुरू से वीडियो देख लें, तो डिस्क्रिप्शन में मास्टर वीडियो का भी लिंक रहेगा, उसको देख लेना, मैथ का भी मास्टर वीडियो का लिंक है, उसको देख लेना, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर उधर, आप आराम से देख सकते हो, मज़ा आएगा आपको। और क्या, रीजनिंग का भी मास्टर वीडियो, मैथ का मास्टर वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ आपको अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर उसमें आप ज्वाइन करते हो तो और भाई अच्छी बात है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह कोई एक चैप्टर लाएंगे आप लोगों के सामने, और पूरा बखूबी बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा कर देंगे। धन्यवाद, गुड बाय।